हेलो दोस्तों, आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपका गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उस पर फ्लाइट राइडर 24 फ्लाइट ट्रैकर आपको डालना है सर्च में और इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा दोस्तों इसमें आगे क्या होता क्या। दोस्तों इसमें यह आपके जो सिर के ऊपर से निकल रही फ्लाइट है आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से आई है और वो कहाँ जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, आपके कितनी ऊँचाई से वो उड़ रही है और वो कहाँ जाएगी और जो उसकी स्पीड है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपकी कोई भी लोकेशन है, आपको इसमें कितनी फ्लाइटें उड़ रही हैं सारी चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो हमारे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों बेल आइकन साथ में जरूर दबाएँ और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत मस्त होने वाला है दोस्तों नॉइज़फुल। और उसके लिए दोस्तों सिंपली हम इसे ओपन पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करने के बाद हमको कुछ कंडीशन मांगेगा, आपको आपको उसको अलाउ कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा देखिए इस तरीके आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे नॉट नाउ का इस पर ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे, यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। और नॉट नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो करंट लोकेशन है, आप जहाँ पर आप जो आपकी लोकेशन है वहाँ के सारी फ्लाइटें आ जाएंगी। देखो दोस्तों इस समय हम जो लखनऊ में हैं, लखनऊ के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ पर उड़ रही हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर यहाँ पर बहुत सारे देखिए वेदर का है और यहाँ फ़िल्टर अलर्ट का है, पेबैक का है, सेटिंग का। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से आपको अगर इसे कोई सेटेलाइट मोड में करना चाहे या किसी भी मोड में करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसे सेटेलाइट मोड में कर लेता हूँ। सेटेलाइट मोड में करने से देखिए दोस्तों सारा ये सेटेलाइट मोड में हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये सेटेलाइट मोड में हो गया। अब कितनी फ़्लाइटें हमारी उड़ रही हैं देखिए दोस्तों, एग्जांपल के हिसाब से हमारी ये फ़्लाइट उड़ रही है, मैं इसे ट्रैक करना चाहता हूँ। तो सिंपली से आप जो भी फ्लाइट ट्रैक करना है उस पर सिंपली से क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सारी की सारी जानकारी आ जाएगी। देखिए दोस्तों ये फ़्लाइट जो हमारी दिल्ली से उड़ान भरी है और दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सिडनी जा रही है, ये वाइडी सिडनी जा रही है। और इसकी जो ऊंचाई पे उड़ रही है 35 से 34 हज़ार के फिट पे ऊंचाई पे उड़ रही है और जिसकी स्पीड है 529 kts है, इसकी स्पीड 529 kts है। और इसके बारे में आप जान सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर लैंड कै बजे करेगी दोस्तों, इसका एस्टीमेट है 7:39 वहाँ पर लैंड कर देगी दोस्तों। और इसका और जो उतरने वाला है जो एक बार स्टॉप लेगी वहाँ मुंबई में स्टॉप लेगी दोस्तों। और इसके बाद ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इसके बारे में कि कम जो फ्लाइट कौन है और कहाँ से, ये सारी चीज़ देखिए दोस्तों। और इसका जो लोड है, लोड कितना है, पैसेंजर कितने इसके अंदर बैठे हैं और इसका जो स्पीड है वो स्पीड भी मिल जाएगा। देखिए इसकी जो ग्राउंड स्पीड है 529 kts है। देखिए सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई भी फ्लाइट का आप ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी को अगर हमें देखिए दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल अगर हम ये वाली फ़्लाइट अगर ट्रैक करना चाहें कि ये वाली फ़्लाइट हमें देखिए आप यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा करेंगे देखिए आपके सामने इतनी सारी फ़्लाइटें उड़ रही हैं कि हमारी जो दुनिया भर में कोई भी फ्लाइट को आप ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी फ़्लाइट को देखिए दोस्तों हम ये फ़्लाइट को अगर हम ट्रैक करना चाहें, इस फ्लाइट को देखिए दोस्तों ये दिल्ली से अंदर जा रही है और 39,000 फिट की ऊंचाई से उड़ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं और 494 की केटी से स्पीड से उड़ रही है। ये देखिए वहाँ से जा रही है और इसका जो टाइमिंग पहुँचने का है वो 1:13 जो रात के 1:13 पे पहुँच जाएगी मतलब, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और इसी को अगर हमें 3D में देखना है, अगर 3D में अगर इसी अगर आपको लोकेशन किसी के पास भेजना है तो यहाँ पर शेयर का बटन कोने में दिख रहा है, आपको शेयर पे क्लिक कर देना है और लोकेशन आपकी चली जाएगी दोस्तों। और अगर आपको 3D में देखना है तो 3D में देखने के लिए आपको यहाँ पर लास्ट में 3D का वी का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इसी फाइल को हम 3D में देखेंगे। और इस पर 3D पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन देखिए दोस्तों यही आपको फ्लाइट है 3D में दिख जाएगी। देखिए दोस्तों ये आपकी जो फ्लाइट है 3D में दिख जाएगी क्योंकि ऊपर से ये नीचे का जो व्यू है जैसा दिख रहा है सेम वैसा ही आपको दिखेगी, बिल्कुल 3D में आपको दिख जाएगी। देखिए दोस्तों फ्लाइट का जो नाम है आप यहाँ से नाम थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, एयरबस
एयरबस की ये फ़्लाइट है और इसका जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसका आगे पीछे का हिस्सा घुमा फिरा के देख सकते हैं आराम से। देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, 3D में भी देख सकते हैं। देखिए जो फ्लाइट ये उड़ रही है 3D में देख सकते हैं कि कहाँ कितनी स्पीड में उड़ रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए यहाँ से, और एग्जांपल अगर आपको कोई भी एयरपोर्ट का देखना है कि एयरपोर्ट पे कौन सी जो फ्लाइटें हैं, फ्लाइटें देखिए यहाँ पर देखो कितनी सारी फ्लाइटें दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर इसका मतलब और एयरपोर्ट है, कितनी सारी फ्लाइटें यहाँ पर, किसी भी फ्लिक क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये निकल रही है दिल्ली से जोधपुर के लिए, दिल्ली से जोधपुर के लिए चल रही है और 170 किटी से, मतलब अभी एयरपोर्ट ही पे 170 किटी से निकल रही है और बस उड़ान भर रही है। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर फ्लाइट है, इसका मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट। देखिए दोस्तों ये जो हमारा फ्लाइट है, ये फ्लाइट कहाँ से आई, ये बॉम्बे से दिल्ली आ चुकी है और इसकी जो स्पीड है 150 से 135 हो गई, मतलब वहाँ पर पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही है। और दोस्तों इसके अगर हमें किसी का लोकेशन शेयर करना है, किसी के पास भेजना है, तो आप यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो लिंक कॉपी कर सकते हैं, या आपका कोई व्हाट्सअप है, या आपका कोई मैसेज करना चाहे, या जैसे भी कर भेजना चाहे भेज सकते हैं दोस्तों यहाँ से। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।